हेलो दोस्तों, पहला T20 मैच इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो हुआ था उसमें से एक पार्ट जो मैच का रहा है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आज मैं उसी चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं तक हद तक लगता है कि आज के हमारे जो न्यू जनरेशन वाले प्लेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करना जो है सीनियर प्लेयर का भूल चुके हैं। मुझे नहीं पता कि कितना सही था वो सिचुएशन, तो वो लोग जो है उस पिच पे हुआ था जो भी, बट मेरा ओपिनियन है ये, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना करके पूरा क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ। मैंने उस क्वेश्चन में बस इतना चीज़ पूछा था कि जो रन आउट हुए थे रोहित शर्मा, आप सभी अगर मैच नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से आप जा करके हाईलाइट में देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख जाएगा कि क्या था वहाँ सिचुएशन और क्यों ऐसा क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया शुभमन गिल पे। मैंने जो क्वेश्चन रेज किया था उसमें मैं क्लियरली यही पूछा था कि जो रनआउट हुए थे रोहित शर्मा, उसमें से किसका ज़्यादा गलती था, शुभमन गिल का या रोहित शर्मा का? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, 94% वोट मुझे जो मिला है शुभमन गिल के अगेंस्ट मिला है कि वो उन्होंने गलती किया था, और सिर्फ 6% लोग बोलते हैं जो कि रोहित शर्मा का गलती था। बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम तो 90 बॉर्न वाले लोग हैं, तो हमने ऐसा ऐसा बहुत सारा मोमेंट क्रिकेट के में देखा है जब कि एक बड़े प्लेयर के लिए जो यंगस्टर प्लेयर होते हैं अपना विकेट को गवा देते हैं, मैच हालांकि हम जीत गए। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने इतना क्रिकेट देखा है और मैं खुद एक पार्ट ऑफ क्रिकेट में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आप यंगस्टर प्लेयर हैं और कॉल भी आप ही का है, मतलब कॉल तो चलिए रोहित शर्मा ने मारा, फिर वो सबसे पहले आप वीडियो अगर चेक करेंगे तो 2-3 स्टेप बाहर खुद शुभमन गिल चले गए और उसके बाद उनका ध्यान उधर। जब आप नॉन स्ट्राइक में होते हैं ना, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो स्ट्राइक पर बैट्समैन होता है उनके ऊपर भरोसा करके चलना पड़ता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है। और दूसरा गलती इन्होंने ये किया शुभमन गिल ने, जब वो अगर वहाँ तक पहुँच चुके हैं क्रिच पे, एक बहुत बड़े प्लेयर हैं वो अगर, तो वहाँ पे अपना क्रिच छोड़ सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमने वो भी देखा कि ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भी रोहित शर्मा इतना गुस्सा थे, आप यंग प्लेयर हैं, आप एक अच्छा मैसेज पहुंचाते अगर उनके सामने, और आप माफ़ी मांग लेते गलती जो हुआ था, बट वो इतने एटीट्यूड से वहाँ से चले गए। तो ये जो है जितने भी न्यू प्लेयर्स जो आ रहे हैं, ये सबके अंदर एग्रेशन भरा हुआ है, भरोसा करने के लिए लायक ये लोग कोई है नहीं। सीधी सी मैं आपको बात बताता हूँ, कोई भरोसा लायक नहीं है जो वर्ल्ड कप जिताने की काबिलियत रख सकता है। बहुत सारे क्रिकेट फैन वाले होंगे बोलेंगे मेरे को कि ये क्या बोल, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद इंडिया टीम में ऐसा कोई भरोसा प्लेयर वाला नहीं बचा जिस पे हम उम्मीद कर सके कि वर्ल्ड कप वो जितवा सके अपने दम पे। बट ये प्लेयर सब पे हम लोग को आज भी गर्व फील करते हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एग्रेशन वो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हमने ऐसा बहुत सारा मैच देखा है, जैसे मुंबई इंडियंस के साथ में भी रोहित शर्मा ऐसे शॉट मारे थे, सूर्य कुमार यादव ने अपना क्रीज छोड़ दिया जब रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर इन पहुँच गए थे। ऐसा सब बहुत मैच देखे हैं जब सचिन तेंदुलकर ने रन मारा है और रन अगर वो दौड़ चुके हैं स्ट्राइकर इन पे, तो दूसरे प्लेयर जो रहते थे वो अपना क्रीज छोड़ देते थे, अपना विकेट गंवा देते थे सचिन तेंदुलकर के लिए। ये सब भी हमने दौड़ देखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली मैं ये बता रहा हूँ, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूथ प्लेयर जो आए हैं इन्हें कोई मतलब नहीं है, सब मज़े में है, क्योंकि इन्हें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, सबका लाइफ मज़े में चल रहा है। आप और हम परेशान होंगे बस कि ये हार गए वो हार गए, बट इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मेरा वीडियो यही था बेसिकली, इस पर मैं अपना राय रखने के लिए किया था कि मुझे लगता है जहाँ तक रोहित शर्मा का कॉल सही था वो सही था निर्णय, और नॉन स्ट्राइकर एंड जो रहते हैं उनका पूरा ध्यान स्ट्राइकर जो बैट्समैन रहता है उन पे होना चाहिए। अगर वो कॉल ले लिए हैं और इन्होंने भी अपना क्रीज छोड़ दिया है तो दौड़ जाना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पे जब वो थ्रो होता है तो मिस
थ्रो हो जाता है, उसकी वजह से रनआउट का चांसेस भी कम हो जाता है। सो दोस्तों, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, ये शॉर्ट वीडियो है, बस इसमें मैं अपना राय रखा। आप भी अपना राय अपना कमेंट सेक्शन में मेरा रख सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या सही था क्या गलत था। धन्यवाद।